और सिखाने जा रही हूँ जो कि काफी सिंपल रखने वाली हूँ, मिनिमम प्रोडक्ट यूज करके ये लुक क्रिएट करूंगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो ये लुक जानने के लिए तो आप कंटिन्यू रहो। सबसे पहले तो मैं ये मॉइस्चराइजर लगाऊंगी अपने फेस पे, जो कि ये मॉइस्चराइजर नहीं ये क्रीम है, लेकिन ये मॉइस्चराइजर का बहुत अच्छा काम करता है। दीवा हलाल का फाउंडेशन पुट करने जा रही हूँ अपने फेस पे। मेरा सेट है आइवरी फेयर और आप अपने सेट के अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज कीजिएगा। तो मैं इसका 1 pump ले लेती हूँ, काफी होता है, और इसको पूरे फेस पे मैं स्पंज के हेल्प से स्प्रेड कर देती हूँ। ये मेरे कलर सेंस के कॉम्पैक्ट पाउडर, आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो अपना, कोई भी जो आपका फेवरेट हो, इसको आप ब्रश के हेल्प से प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए। इसके बाद मैं ये जो आई शैडो पैलेट है सिवाना का, आप कोई भी आई शैडो पैलेट ले सकते हो, उससे मैं आई का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सबसे पहले इसमें से डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसको ब्रिस लाइन में पुट कर रही हूँ। इसके बाद आपको ये कलर को अच्छी तरह से पूरे आईलिड पे ब्लेंड करना है और साइड से आप इनर कॉर्नर में ऐसे बी शेप क्रिएट कीजिए और इसको प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड कीजिए। आप फ्लफी ब्रश ले सकते हो अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, इससे आपको कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेगी, एकदम प्रॉपरली ब्लेंड हो जाती है ब्रश के हेल्प से। तो आप इसको अच्छी तरह से जब तक ब्लेंड करते रहो, जब तक प्रॉपरली आपके अच्छे से आई शैडो ब्लेंड ना हो जाए। ये काफी सिंपल है, कोई भी कर सकता है, मिनिमम प्रोडक्ट यूज की है मैं इसमें। उसके बाद आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है इस तरह की, और उसके बाद आपको लिड पे मैं एक गोल्डन सेट पुट कर रही हूँ, जो कि आपको सिर्फ डैबिंग मोशन में पुट कर देना है, बस इस टाइप से डैब करके आपको पुट कर देना है। इसको स्मज नहीं करना है, इसको ब्लेंड कुछ नहीं करना है, बस इसको डैब करके आपको लिड के ऊपर लगा लेना है। ये आपको लाइट इफेक्ट देगा जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद आप कोई भी काजल लेके आप अच्छे से काजल लगा लीजिए। इसके बाद आपको ये लैक्मी का आईलाइनर मैं लगाने जा रही हूँ, आप कोई भी आईलाइनर अपने पसंद का लगा सकते हो। इसको आप चेक कर लो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसको अपने आईलाइनर कर सकते हैं। हाई मेकअप के बाद आपको ये चिक पे थोड़े से ब्लश लगाने हैं। मैं पिच कलर का यूज कर रही हूँ, आप पिंक या फिर पिच कलर के। इसके बाद मैं ये हिलाड़ी रोड़ा का ये लिपस्टिक है, इसको ये मैक लिपस्टिक है, इसको मैं लगाऊंगी अपने लिप पे। आप कोई भी कलर लगा सकते हो, या तो पिंक न्यूट्रल रखना है तो, या फिर आप रेड लगा सकते हो, मरून लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पुट कर सकते हो। उसके बाद ये छोटे छोटे ब्लैक कलर का बिंदी है, उसको लगाना है मुझे फोरहेड पे, और आप देख लोगे कहाँ कहाँ मैं लगा रही हूँ, जो कि ये वो लोग यूज करते हैं गड़बड़ डांस के समय। तो ये देखिए मैंने फेस पे पूरी तरह से बिंदी लगा लिया, और मैंने हाथ पे देखिए मैंने हाथ पे भी बिंदी का यूज किया, और आप अपने पसंद के कोई भी बैंगल पहन सकते हो।
उसके बाद ये काफी सिंपल है, आप लोग इजिली गोइंग इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये काफी सिंपल है।